नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुरक्षा का काफी ख्याल रखता है, इसके लिए वो अलग अलग फीचर्स भी लाता रहता है। अब व्हाट्सएप ने स्टे सेफ नाम की एक नए कैंपेन की घोषणा की है, जो मैसेजिंग ऐप पर पहले से मौजूद फीचर्स पर फोकस करता है। ये कैंपेन कई सेफ्टी सेंट्रिक फीचर्स जैसे कि ब्लॉक एंड रिपोर्ट, टू स्टेप वेरिफिकेशन, प्राइवेसी और ग्रुप सेटिंग्स पर ध्यान देने के साथ कुल 3 महीनों तक चलेगा। ये कैंपेन इस बात पर फोकस करता है कि व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है, जिसके लिए यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए 6 डिजिट का पिन और एक ओटीपी की जरूरत होती है। स्मार्टफोन खो जाने पर यह मददगार साबित होगा। ऐसे में चोर बिना सिक्योरिटी पिन के व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मेटा इस कंपनी का इस्तेमाल यूजर्स को ब्लॉक और रिपोर्ट फीचर के बारे में शिक्षित करने के लिए भी करेगा, जिसमें एक यूजर एक सस्पेक्ट अकाउंट को ब्लॉक कर सकेगा और आगे की कार्रवाई के लिए व्हाट्सएप को इसकी रिपोर्ट देगा। इसी तरह ये कई प्राइवेसी फीचर्स को हाईलाइट करने पर भी फोकस करेगा, जैसे कि प्रोफाइल फोटो को कैसे इनेबल या फिर डिसेबल करें, लास्ट सीन और स्टेटस शो करने के लिए लोगों को सिलेक्ट करना शामिल है। ये प्राइवेसी सेटिंग और एक ग्रुप इनवाइटर सिस्टम के साथ ग्रुप सेफ्टी फीचर्स को भी हाईलाइट करेगा। बीते सालों में व्हाट्सएप ने न केवल इंटीग्रिटी की टेंशन को दूर करने की कोशिश की है, बल्कि प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा आसान और बहुत बेहतर बनाया है। मिस इन्फॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड की समस्या बताते हुए प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को सेफ करने और उन्हें फेक न्यूज फैलाने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब एक बार फिर से ये व्हाट्सएप का नया फीचर आने वाला है। इस खबर से जुड़ी और भी ऐसी तमाम जानकारियां, टेक से जुड़ी और भी तमाम रिपोर्ट्स, तमाम अपडेट्स हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।